लाल कपास कीट। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था से कपास की फसल बहुत सारे कीटों से संक्रमित होती है, लेकिन फूल आने के पश्चात तुड़ाई तक लाल कपास बग फसल को प्रभावित करता है। यह एक गंभीर कीट है जो बीज और टिंडों को ग्रसित करता है और कपास के रेशे के रंग को खराब कर देता है। यह कीट का नियंत्रण अहम है क्योंकि यह फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों को प्रभावित करता है। इस कीट को बाद के चरणों में नियंत्रित करना कठिन है, इसलिए एकीकृत प्रबंधन जरूरी हो जाता है। यह कीट अपने नाम अनुसार लाल रंग का है और इसके पेट पर सफेद धारियां होती हैं और आगे के पंखों पर काले निशान होते हैं। वयस्क कीट पौधों के पास मृदा में अंडे देते हैं। 7 दिन के बाद उनसे निम्फ यानी कीट की युवा अवस्था बाहर निकलती है। यह 39 से 90 दिन में वयस्क बन जाते हैं। लाल कपास कीट फसल के कुसुमित चरण के पश्चात दिखाई देते हैं। निम्फ और वयस्क पौधों के नरम हिस्सों जैसे पत्तियां, डंठल, अंकुर आदि से रस चूसते हैं और कलियों एवं नए टिंडों को संक्रमित करते हैं। इसकी वजह से टिंडे जल्दी खुल जाते हैं और परिपक्व नहीं हो पाते हैं। खाते समय यह कीट एक रसायन को तैयार करते हैं जिसकी वजह से रेशों पर धब्बे पड़ जाते हैं। बीज पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं और तैलीय तत्व एवं अंकुरण दोनों कम हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त पौधों में खाई गई सतह से बैक्टीरिया भीतर जाते हैं और टिंडे सड़ जाते हैं और साथ ही कपास का रेशा भी खराब हो जाता है। एकीकृत प्रबंधन के लिए खेत में कीट के लक्षण के लिए चौकस रहिए। कम संक्रमण की अवस्था में कीटों को हाथ से निकालिए। भिंडी जैसे ट्रैप फसलों को उगाइए और इनसे आकर्षित कीटों को नष्ट कर दीजिए। जैसे ही कपास के टिंडे खुले उन्हें तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद पौधों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। कटाई के बाद मृदा की अच्छी जुताई कीजिए क्योंकि यह कीट झुंड में भोजन करते हैं। संक्रमित पत्तियों और टिंडों को पानी में डुबाइए। शुरुआती अवस्था में नियंत्रण बहुत अहम है क्योंकि यह कीट अपना जीवन चक्रीकरण दूसरे पौधों के रस और फलों से पूर्ण कर सकता है। रासायनिक प्रबंधन के लिए 500 लीटर पानी में 200 से 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से 25% ईसी फ्लूवोलिनेट छिड़काइए। तो किसान भाइयों, कीट के संकेतों के लिए चौकस रहिए और अच्छी उपज के लिए उचित कदम उठाइए। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।